दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत गर्म है। ना सिर्फ टेम्परेचर के मामले में बल्कि वहाँ दौलत की गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इस देश की आबादी दिल्ली की कॉलोनी से भी कम है, पर फिर भी यह देश अमीरी के मामले में दुनिया में सातवें स्थान पर आता है। दोस्तों, आज हम देखने और जानने वाले हैं अद्भुत देश कुवैत के बारे में। इस देश के बारे में हम आपको बहुत ही मजेदार फैक्ट्स बताएंगे, जिससे अगर आप भी कभी कुवैत गए तो हमारी वीडियो जरूर याद करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुवैत का पूरा नाम क्या है? अगर आप नहीं जानते तो अब हमेशा याद रखिएगा, कुवैत का पूरा नाम दौलत अल कुवैत है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1613 में। 407 सालों के इतिहास में कुवैत के आज के समय की जनसंख्या बहुत ही कम है। जितने लोग दिल्ली की एक बड़ी कॉलोनी में रहते हैं उतने लोग पूरे कुवैत में रहते हैं। कुवैत की टोटल आबादी 45,10,000 है। बाकी सब वीजा पर यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया, कुवैत अमीरी के मामले में सातवें स्थान पर है और इसकी वजह है यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति की आय $72,500 है, जो रुपए में 54 लाख रुपए के बराबर बैठती है। इसके अलावा जो करेंसी कुवैत में चलती है उसे कुवैती दिनार कहते हैं। साल 2013 में कुवैत का पैसा सबसे ज्यादा मजबूत था। 2013 में एक कुवैती दिनार 220 रुपए के बराबर था और आज के समय में भी कुवैत की करेंसी सबसे मजबूत है। एक कुवैती दिनार भारतीय रुपयों में 241 रुपए के बराबर बैठता है, जो बहुत ज्यादा है। कुवैत में शराब पीना, बेचना या लाना प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर आपको उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। साल 1961 तक ब्रिटेन ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन 19 जून साल 1961 को कुवैत ने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली। कुवैत में बारिश ना के बराबर होती है और यहाँ पीने के पानी के लिए समुद्र के खारे पानी को मशीनों द्वारा पीने योग्य बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पानी थोड़ा महंगा है। कुवैत की मेन इनकम ऑफ सोर्स यहाँ के तेल से होती है। बाकी कुवैत ने अपनी पहचान आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, टूरिज्म, फिशिंग और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी बनाई है और आय के नए स्रोत पैदा किए हैं। दोस्तों, क्या आप कुवैत के अल हमरा टावर के बारे में जानते हैं? ये दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची इमारत है और कुवैत में अल हमरा टावर पहले नंबर पर आता है। आसमान को छूती ये इमारत घूमने वालों के लिए फोटो खींचने का स्पॉट बना रहता है। इसके अलावा कुवैत का ग्रैंड एवेन्यू नाम का मॉल इतना ज्यादा बड़ा है कि कुवैत की 30% आबादी एक साथ शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर सकती है। खाड़ी देशों में कुवैत पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान और संसद की स्थापना करी। कुवैत में साल 2006 में वहां की महिलाओं को पहली बार वोटिंग करने का मौका मिला था। आप थोड़ा चौंकने वाले हैं ये जानकर कि आपको पूरे कुवैत में कहीं भी रेलगाड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ ट्रेन की जरूरत पड़ती ही नहीं और ज्यादातर लोगों के पास खुद की कार्स हैं। कुवैत में एक और लिबरेशन टावर है, ये भी ऊंचाई के मामले में अपना नाम दर्ज करवाता है। इस लिबरेशन टावर की ऊंचाई 1220 फीट है। ये भी आपको कुवैत सिटी में देखने को मिलेगा। कुवैत सिटी में जब भी आप जाएंगे तो इस जगह को जरूर विजिट करिएगा। कुवैत में कई अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटीज हैं, पर वहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और देश द्वारा स्थापित की गई यूनिवर्सिटी साल 1966 में खोली गई थी और इसका नाम कुवैत यूनिवर्सिटी रखा गया। दोस्तों, अगर आपको क्लब वगैरह जाना पसंद है तो आप ये शौक वहाँ पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कुवैत में आपको एक भी क्लब या बार देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग खाली समय में अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि कुवैत सिर्फ तेल पर ही चल रहा है, पर कुवैत ने भविष्य की तकनीक को अपनाकर उन्हें आय बनाना शुरू कर दिया है और इसका एक अच्छा उदाहरण है 2006 में हुई ऊँटों की रेस। दोस्तों, ये ऊँटों की रेस रोबोट द्वारा
ऊंट चलाकर करी गई थी, जिसका कॉन्सेप्ट भी काफी हिट रहा था। कुवैत ने बहुत से गैर नागरिकों को रोजगार दिया है, तभी तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपीन जैसे देशों से बहुत सारे लोग यहाँ आकर पैसे कमाकर अपने घर भेजते हैं। अगर आप लोगों को हमारे देश दुनिया की वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हम आगे भी आपको विभिन्न देशों की जानकारी देते रहेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।